हेलो। बंदे हाँ, वंदे मातरम भैया। नमस्ते भैया। मातरम हाँ, सोच रहे थे कल ही फोन करें, तो फिर हम सोचे कि आज इतने करते हैं, कल करेंगे। दीदी, और चक्कर जो आ रहा था ना, वो नमस्ते। बिल्कुल ठीक हो गया है। बहुत बहुत बधाइयाँ। वो जो, हाँ, बहुत खतरनाक चक्कर आ रहा था। आप जो बताए ना, वो मुनक्का, लौंग, इलायची और दालचीनी, वो सबका काढ़ा बना करके बोले थे पीने के लिए। दिन में तो बोले थे आप, हम बोले कितने बार पीना है, तो आप बोले 7-8 बार। उतना तो नहीं हो पाया, 3-4 बार ही लेते थे। तो कल कल हमको दोपहर के बाद से ही बहुत हल्का लग रहा था, मतलब वो नहीं आ रहा है चक्कर अब। ठीक है। और चक्कर पाना फिर बिल्कुल बंद हो गया। और ये करी पत्ता का तो सुबह शाम लेते थे, करी पत्ता और गुड़ वाला, तो और कितना दिन इसको लेना है, उसको छोड़ देना अब, दालचीनी और लौंग वाला। हाँ, चक्कर आना बंद हो गया तो आप उसको बंद कर दीजिए। और चक्कर आना बंद हो गया, बिल्कुल बंद हो गया। कड़ी पत्ते वाला आप लीजिए, जरा इसको 1 महीना रखिए कड़ी पत्ते को। हाँ जी। और भैया एक चीज बता दीजिए ना, गैस ना बहुत ज्यादा बनता है एक्सेस, और खुल के साफ पेट भी नहीं साफ हो रहा खुल के। चक्कर वाला तो हम तो समझे कि अब क्या करें, समझ में नहीं आएगा। उठते थे ना, लगता था अब गिर जाएंगे, लेकिन वो जिस दिन बोले थे उस दिन 2 बार पिए थे रात में, फिर उसके नेक्स्ट दिन पिए, उसी दिन से हमको हल्का हो गया था। ठीक है। तो इसके गैस के लिए, और जिससे मतलब खुल करके ये हो, मोशन हो, उसके लिए गैस ज्यादा बन रहा है। कड़ी पत्ते में अजवाइन मिला दो। और गुड़ भी रहेगा? अच्छा, तो दोनों टाइम, सुबह शाम वाला दोनों में? हाँ, दोनों में अजवाइन मिला दो, आधा आधा चम्मच अजवाइन मिला दो।